जब उसने टेनिस बॉल लड़के की ओर फेंकी तो ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बीच हवा में ही रोक दिया हो। मानसिक शक्तियों के अत्यधिक उपयोग के कारण लड़के को जल्दी ही नाक से खून बहने लगा। तीनों अपनी नई मिली महाशक्तियों की तुलना में इस्तेमाल करने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्हें नाक से खून बहना बहुत मामूली लगता है। उन्होंने ब्लॉक बनाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने पानी में तैरते रहने के लिए पत्थरों के साथ छेड़छाड़ की और उन्होंने ब्लो ड्रायर की मदद से लड़कियों की स्कर्ट भी उठा दी। कई बार अपनी शक्तियों का उपयोग करने के बाद भी तीनों लड़कों की नाक में से खून नहीं निकलता है। चचेरे भाई का मानना था कि यह क्षमता एक मांसपेशी की तरह थी जो निरंतर प्रशिक्षण से मजबूत बनती जाती है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। यहां तक कि वो चिप्स खाने के लिए भी शक्तियों का उपयोग करने लगे थे। जैक ने सोचा कि उन्हें छोटी मोटी शरारतें रोकनी चाहिए और भीड़ भाड़ वाली जगह पर अपनी महाशक्तियों के साथ कुछ करना चाहिए, इसलिए वे सुपरमार्केट चले गए। उन्होंने ग्राहकों के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। उनके बगल में मौजूद छोटी लड़की को डराने के लिए उन्होंने एक टेडी बियर को हवा में उड़ा दिया। फिर वे एक रेस्तरां में गए और टेलीकिनेसिस की मदद से चम्मच में हेरफेर करते हैं और वेटर की गाड़ी को हिलाकर वेटर को परेशान करते हैं। उन तीनों ने एक ही समय में अभ्यास किया और ऐसा करने से उनकी क्षमता कई गुना बढ़ गई। वे अपने साथ कार को आसानी से ले जाने में सक्षम थे। वे घर जाते समय रोमांचित होकर विचार कर रहे थे, लेकिन तभी एक गाड़ी वाला पागलों की तरह हॉर्न बजाकर उन्हें परेशान कर रहा।